हेलो एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे क्लास 9 की। सो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव है, यानी हमें इसे लिखना है, राइट करना है अपनी नोटबुक्स में। सो इसके लिए आप अलग नोटबुक बनाएंगे। अब इसमें दो सेक्शन है, इंग्लिश की वर्कशीट है 2 जिसमें हमें लिखना है। पहले कुछ एमसीक्यू टाइप है और उसके बाद कुछ लिखने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप भी आपको नोटबुक में ही करने हैं, पहले सेक्शन ही देखते हैं। सेक्शन हमें एक पैसेज है, उसको पढ़कर हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। जो लॉकडाउन फेज है हैज लेड अस टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स टू कंटिन्यू आवर स्टडीज। जो लॉकडाउन के पीरियड है, इससे हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके पता चले अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के। ऑनलाइन क्लासेस उनमें से एक ऑप्शन है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं कुड नाउ बी इन टच विद देयर स्कूल। वो अपने स्कूल के टच में रहते हैं और अपनी स्टडीज का नुकसान नहीं होने देते और सारी स्टडी करते हैं। दे रिसीव वर्कशीट्स, उन्हें कुछ वर्कशीट्स मिलती हैं, कुछ वीडियो के लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब ये वीडियोस आपकी स्टडी से रिलेटेड है, गुरुजी चैनल आपका स्टडी से रिलेटेड है। इस तरह से हमारे जो वीडियोस के अलग अलग लिंक्स हमें दिए जाते हैं, ऑडियो फाइल्स, ऑडियोज दी जाती हैं, इमेजेस दी जाती हैं बुक्स की पढ़ने के लिए। जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। किस पे? गूगल मीट पे हम क्लासेस लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट में टच में रहते हैं टीचर्स के और सारी चीज़ें डिस्कस और शेयर करते हैं अपने टीचर्स से, जिससे वो सब पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। और जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है, उन्हें अच्छे से सब कुछ बोलना समझ आया है कि कैसे यूज करते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और सीखी हैं स्टडीज के साथ साथ। सो वो अटेंड कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस, डू द क्लास वर्क और फिनिश कर सकते हैं अपना होमवर्क। एवरी डे दे फॉलो अ नॉर्मल रूटीन, हर रोज एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हैं और अपना काम करते हैं, जिससे कि उनकी स्टडीज मिस नहीं होती। ऑनलाइन क्लासेज जो है वो एक बहुत ही गुड वे है एजुकेशन सिस्टम का। अब पहले एमसीक्यू करते हैं, ये एक एक नंबर के हैं सारे हमारे। ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज अल्टरनेटिव टू कंटिन्यू स्कूल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस, सो हम इसे टिक करेंगे। व्हाट डू द स्टूडेंट्स रिसीव अपार्ट फ्रॉम द वर्कशीट टू डू नॉट मिस देयर स्टडीज। वीडियो लिंक्स, जैसे कि आप ये वर्कशीट देख रहे हैं ये एक वीडियो है। ऑडियो सर भेजते होंगे आप सभी के टीचर्स, इमेजेस देते हैं कुछ, ये सभी हमारे ऑल ऑफ दीज जो है ये सब हमारे वेज हैं। अब व्हाट डू द स्टूडेंट्स शेयर विद देयर टीचर, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ क्या शेयर करते हैं, कंसर्न्स, तरीके, अलग 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 क्वेश्चंस पूछते हैं। इस तरह से हम टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर सकते हैं खुद से इन ऑनलाइन क्लासेस में। विच वर्ड इज एंटोनीम अपोजिट ऑफ बूस्ट, बूस्ट का अपोजिट है डिक्रीज हमारा, इसको हम टिक कर लेंगे। अब सेक्शन 2 में पहला है डायरी एंट्री लिखनी है। अभी अभी जो स्कूल्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है समर वेकेशन या फिर लॉकडाउन के बाद, और अभी अभी आपको 9th क्लास में लिया गया है। अब आपको अपनी डायरी एंट्री लिखनी है। सो इस पर हम डायरी एंट्री लिखेंगे 9 PM मंडे 2nd August 2021। डियर डायरी, हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉज प्रमोटेड टू द क्लास 9th विद अ गुड मार्क्स, यानी मैं बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्लास 9th में आ गया। टुडे जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रीओपन हो रही हैं और क्लास टीचर जो है हमारे, आप यहाँ पर अपने क्लास टीचर जो भी है, मिसेज फीमेल के लिए और मिस्टर फीमेल के लिए, यानी मिसेज मैम के लिए और मिस्टर सर के लिए, उनका नाम लिखेंगे। और उसके बाद टेल ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को बताते हैं कि वो अपनी अपनी 9th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट मंडे से रिज्यूम हो रही हैं
उन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर किया और मैं जो हूँ वो फर्स्ट आया क्लास में। सो डायरी, अब आप डायरी को लिखेंगे कि मेरा सोने का समय हो गया है और मेरे सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करना, और फिर एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिखेंगे। ये हमें नहीं लिखना, हमें खाली नाम लिखना है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे क्या लिखना है। सो नेक्स्ट है पंचुएशन वाला। अब हमें इन सेंटेंसेस में पंचुएशन मार्क्स लगाने। यस वी कैन वॉन द मैच, यस कर रहे हैं ना बहुत जोर से, तो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा इस तरह से हमारा। अब वी कैन वॉन द मैच, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग्स। जो कुछ लोग हैं वो दिन में काम अच्छा करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोमा, और उसके बाद अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग और फुल स्टॉप आ जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, आप अगले वीकेंड में क्या कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन क्या करें, व्हाट एन अमेजिंग डे, इसमें हमारा एक्सप्लेनेटरी साइन आएगा। मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड रेसबेरीज आर माय फेवरेट फ्रूट्स। मैंगोज, उसके बाद कोमा ग्रेप्स, फिर कोमा ऑरेंजेस एंड रेसबेरीज आर माय फेवरेट फ्रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ए एन और द का, और जहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा वहां पे एक्स क्रॉस बनाना है। टॉर्टोइज इज अ कॉमन नेम फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ टर्टल्स दैट लिव एंटायरली ऑन लैंड। टॉर्टोइज आर स्लो मूविंग एनिमल्स नोन फॉर देयर लॉन्ग लाइफ स्पैन विच इन सम इंस्टेंसेस में एक्सीड 150 ईयर्स। टॉर्टोइज इनहेबिट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मासेस एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। मोस्ट टॉर्टोइज लिव इन द ड्राई एनवायरमेंट such as deserts, although some species prefer moist habitats such as the rainforest and woodland. Tortoises are protected heavy shells composed of an air bony layer. तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा असेसमेंट खत्म होता है। मैं होप करता हूँ आपके सभी आंसर्स करेक्ट होंगे और आपके गुड नंबर आए होंगे। अगर आपके नंबर आए हैं फुल या फिर बहुत अच्छे या जैसे भी नंबर आया, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थी वर्कशीट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।